जाम जाम के लिए। जाम बना रहे हैं। थोड़ी देर तक चलाएंगे, उसके बाद इसको ठंडा करने रखेंगे और बाद में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये सारा बैटर अब ठंडा करने के बाद ये सारा बैटर जा रहा है मिक्सी में। चाम्प कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। अब इसको जार में डालने के बाद हल्का सा ब्लेंड कर दें। पहले एक झटका, अब एक देखिए चार फाइन पेस्ट बनती है। पेस्ट तैयार हो गई, देखिए जो पेस्ट बन के आई है कितनी फाइन ग्रेवी है। इसको वापस कढ़ाई में ट्रांसफर करते हुए ये सारा का सारा इसको ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए अब हमने ट्रांसफर कर लिया है, थोड़ा सा फ्रेश मलाई क्योंकि दूध के ऊपर होती है उड़ा ली मैंने। देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी का टेक्सचर आ रहा है। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना, अगर हिलाएंगे नहीं तो दूध फट जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इक्वल हिलाते रहेंगे, जैसे जैसे आप खाते हो ना। बटर चिकन मसाला वैसे ही अब ये बन रही है। बटर मलाई चाप देखिए उबाल आने वाला है। अब हम इसमें देंगे एक कप दूध। ये रेसिपी मेरी अपनी है, इन्वेंट की हुई, कहीं यूट्यूब चैनल में या कहीं पे भी ये नहीं मिलेगी। थोड़ा सा इसको खिलाते रहेंगे ऐसा ऐसा, देखिए ब्राउनिश कलर में आ गया। आप चाहे तो बाज़ार में कलर आता है, अगर नहीं हो ये दूध या कुछ डालना हो अब हम चाप को तो हमारे पास है उनको डालेंगे। इसकी वजह क्या कि जो आपने चाप रखी थी फ्राई करके उसमें ये थोड़ा सा लाइट पतला करने का हो जाएगी, उसमें से ये जितना भी ग्रेवी है वो पूरी अंदर तक रस जाएगी। आप चाहे तो बिना फ्राई भी ले सकते हो, थोड़ा सा हल्का शैलो फ्राई कर लीजिए। मैंने डीप फ्राई करी हुई है, इसका कलर ऐसा है क्योंकि ये घर पे बनाई हुई है चाप, बाज़ार की नहीं है। और ये सोयाबीन सोया चाप है, ये मैदे वाली आती है बाहर आती है मैदे वाली वो नहीं है। वो तो अच्छी तरह से हम मिला के अब इसको हमने लो फ्लेम पे 20 मिनट तक पकाना है। थोड़ा ढक देते हैं।
अब 20 मिनट के बाद, 20 मिनट हो चुके हैं, अब 20 मिनट के बाद इसको देखते हैं शाम का क्या कलर। ये देखिए शाम पूरी अंदर तक रस गई है, ये देखिए कितनी फ्लिपी। ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। थोड़े से इसको चखते देखेंगे आपको क्या टेस्टी है, क्या टेस्ट है। कभी खा के आप बताएंगे आपको। ये देखिए चखाएंगे, अभी टेस्ट करवाते हैं। देखिए कैसी है, अच्छी है ना। देखिए हमारी, अब आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं।